Hey guys, welcome to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing great. So guys, आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना Amazon haul. अगर आपने ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में आपको ये मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना. विदाउट एनी वेस्ट टाइम, यह है बायोटिक का बायोबेरी लिप बाम, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड आप जानते हैं, अगर आपने पहले वाला हॉल मेरा देखा होगा अमेजोन का या फिर purple.com का, तो मैंने ये वाला जो लिप बाम है वो पहले भी बाय किया था. ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसको थर्ड या फोर्थ मतलब टाइम्स में बाय कर रही हूँ. सो ये इस टाइप का दिखता है. आपको थोड़ा सा मैं इसका टेक्स्चर जो है वो दिखा देती हूँ. एक टिंटेड लिप बाम होता है एंड इसकी जो प्राइस है वो 175 है, बट आपको डिस्काउंट में ऑलवेज इससे कम प्राइस में मिल जाएगा. तो अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है, तो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. तो एक क्यूट से बोतल में या टब बोल लो, उसमें आपको इस तरह का ही मिलता है जो मैंने परचेज़ किया है. एंड दूसरा है वाइटनिंग लिप बाम, जो मेरे पास पहले से था. नेम है वाइटनिंग, बट वो वाइट बिल्कुल नहीं है. सेम इसकी जैसा ही है, रेड कलर का. ये देखो इस तरह की कंसिस्टेंसी एंड इस तरह के कलर में आपको ये मिलता है. एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा लिप बाम है. एंड अगर आप इसको रेगुलर ट्राई करते हैं तो आपके जो लिप्स के पिगमेंटेशन है उसको भी ये हाइड करता है, धीरे धीरे कम कर देता है. सो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ हल्का सा. ये देखो बिल्कुल वाइट, सॉरी इसमें टिंटेड लिप बाम है. अगर आपको टिंटेड वाले लिप बाम पसंद है, आप ज़रूर से ट्राई करना. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिप्स को एकदम से सॉफ्ट कर देता है, प्लम्पी बनाता है. जैसे कि इसके नाम है प्लम्पिंग. फ्रेगनेंस है वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी टाइप की आपको मिलेगी. इनसाइट का ये लिक्विड लिपस्टिक एंड ये दिखता है कुछ इस तरह से. एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो ये कार्डबोर्ड के पैकेट में आपको ये मिलता है. इस तरह से कार्डबोर्ड का पैकेट मिलेगा. एंड मेरा जो शेड है वो है, शेड नंबर है 11 एंड नेम है कॉफ़ी कमांड. एंड ये ब्राउनिश कलर में आपको मिलेगा. एंड बहुत ही प्यारा सा ब्राउनिश कलर है. आपको मैं काफ़ी बार इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अगर आपने मेरे मेकअप वीडियो देखे होंगे तो. लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मैं आपको अभी बता देती हूँ. इससे पहले आप इसका थोड़ा सा कलर देख लो. ये देखो, अगर आप अपने लिप्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लिक्विड लिपस्टिक जब भी लगाते हैं तो उससे पहले आप अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब कर लो. स्क्रब के बाद आप लिप बाम लगा लो. लिप बाम लगा के एकदम से सॉफ्ट बना लो, प्लम्पी बना लो. एंड उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक कोई भी अप्लाई करो तो वो बिल्कुल भी आपको मतलब जो बीच में कटी फटी हो जाती है वो बिल्कुल नहीं होगी. सो मेरी ओर से इसे मतलब आप ज़रूर से परचेज़ करिए, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है. इसमें मैंने एक और शेड भी परचेज़ किया है, पिंक कलर का है. एंड इसका जो शेड नंबर है वो है 07 सेटिन रोज. एंड ये इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलता है. इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है. एंड इस लिपस्टिक को भी मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा. एंड इसका आपको कलर दिखा देती हूँ. ये देखो कोई मिलेगा इस तरह का, काफ़ी प्यारा सा जो है वो पिंक कलर है. इसे पिंक फुशिया कलर भी बोल सकते हैं. परचेज़ किया है इनसाइट का लिक्विड आईलाइनर, जो मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है. एंड ये पेन आईलाइनर है जो इस तरह का दिखता है. एंड ये देखो जेट ब्लैक कलर जिसे बोलते हैं वो है ये. एंड इसकी जो आगे का ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पतला है, तो आप इससे पतला लाइनर एंड मोटा लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो. तो इस तरह का दिखता है ये. एंड इसकी जो प्राइस है वो है 150, ओनली 150 में आपको ये मिल जाता है. नेक्स्ट मैंने परचेज किया है जो कि है एक आई शेडो पैलेट. एंड काफ़ी दिनों से मैं इसे सोच रही थी लेने की. एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये पैलेट. जब मैं इसको यूज करने लगी तो मुझे ये फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है यार. इसकी जो प्राइस है वो है 350, बट अभी अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको ये ओनली 270 में मिल जाएगी. एंड इसका जो नेम है वो है 20 समथिंग कॉस्मेटिक्स. एंड इस तरह के, एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि आपको इसमें मिरर भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. आपको जो आई शेडो वगैरह आपको अप्लाई करना होता है तो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए आई शेडो वगैरह अप्लाई करना. तो इसमें आपको मिरर मिलेगा. एंड कलर्स जो हैं वो इसके अमेजिंग कलर्स हैं. इनके जो एक ही बार में जो है वो पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी इनकी होती है. ये देखो आपको सारे के सारे कलर्स इसमें मिल ही जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज है, पिंक है, पर्पल है एंड येलो है. एंड यहाँ पर ये जो आपको ब्लश शेड मिलेंगे, ये वाला ब्लश है. एंड टू इसमें आपको ब्लश शेड मिल जाएंगे एंड एक कॉन्टोर शेड. ये दोनों ब्लश शेड हैं. एंड ब्लश के अंदर जो सिमरी पार्टिकल्स हैं वो भी आपको सिमर में, एकदम से मैट ब्लश नहीं है ये, इसमें आपको हल्का सा शिमर मिलेगा. ओके, एंड इसमें आपको एक कॉन्टोर शेड मिलेगा. एंड यहाँ पर एक
हाइलाइटर शेड मिलेगा। इसके जो शेड्स हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, एक ही बार जो है आपको पिगमेंटेशन देते हैं। ये देखो कितना अच्छा पिगमेंटेशन इसका, येलो कलर, काफ़ी सारी पैलेट में येलो कलर का अच्छे सा पिगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, बट इसका देखो कितना अच्छा है। सो आप देख सकते हैं इनके जो कलर्स हैं वो कितने एक ही बार में आपको इतने अच्छे कलर मिल जाते हैं। तो मेरी ओर से ये हाईली 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 रिकमेंड गाइस बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग सी पैलेट है। जब एंड आप अभी इसी टाइम से परचेज कर लो बिकॉज ये जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। 350 की प्राइस मैंने लिया था बट अभी इसकी प्राइस चल रही है 270, तो अच्छी वाली डील से तो ज़रूर से परचेज करो। सो गाइस उसके बाद जो मैंने परचेज किया है वो है ये मेकअप रिमूवल क्लिंजिंग पैड्स, एंड इनकी जो प्राइस है वो है 224 में आपको 2 मिल जाएंगे। एंड अगर आपको 4 का पैक चाहिए तो वो आपको मिलेगा 454 में। तो मैंने यहाँ पर 2 का पैक परचेज किया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं गाइज। ये आपकी कैसी भी स्किन टाइप्स हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, या फिर नॉर्मल हो, या फिर कॉम्बिनेशन हो, जो भी आपकी स्किन टाइप है आप सबको ये मतलब शूट कर जाएगा। तो काफ़ी अच्छे जो हैं वो रिमूवल पैड्स हैं एंड मेकअप इनसे बहुत ही ज़्यादा इजीली जो है वो रिमूव हो जाता है। इसका ये जो स्टफ़ है ये काफ़ी अच्छा जो है वो कॉटन क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब इरिटेट नहीं करता यार आपकी स्किन को। जब आपकी स्किन पे मेकअप है उसको आप रिमूव कर रहे हैं तो आप वैसे तो रिमूव नहीं कर सकते ना। एंड अगर टॉवल अगर आप लेते हो तो उसको बार बार वॉश करना, ये भी वो फिर ड्राई नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, बहुत ही जल्दी अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं एंड बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। तो ज़रूर से इसे परचेज करना एंड मुझे बहुत अच्छे लगेगा इस सोच। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ब्लू हेवन का हाइपर वेटलेस लिक्विड लिपस्टिक, जो दिखता है कुछ इस तरह से। एंड इसका जो शेड है वो है रेड कलर। एंड मैंने इसे परचेज किया था 90 में, बट आई थिंक अभी जो इसकी प्राइस है वो इस पर जो मेंशन है 115, तो यही इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। काफ़ी अच्छा जो है वो, तो इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है। आपको अगर ज़्यादा अच्छे लिपस्टिक में बात करूँ तो ब्लू हेवन से ज़्यादा जो मुझे पसंद आई है वो है इनसाइट की। तो आपको जो भी अच्छी लगे आप वो परचेज़ कर सकते हैं, वैसे दोनों ही अच्छी है। क्योंकि कौन ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है आपके लिप्स पर, तो वो है इनसाइट की, ब्लू हेवन की। आप इतनी ज़्यादा मतलब लिप्स के लिप्स के ऊपर नहीं रहती, आप जब भी कुछ खाते पीते हो तो ईजिली ये निकल जाती है। बट अगर आपको कुछ टाइम के लिए इसको अप्लाई करनी है तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। एंड इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है एंड इसका जो कलर है वो ये देखो रेड कलर है एंड ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। एंड ये भी मैट लिपस्टिक है एंड वो भी जो इनसाइड की आपको दिखाई थी वो भी मैट में है। बात जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे रिसीव हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं उसे सोच रही थी लेने का बट ले नहीं पा रही थी, बट अभी इसकी जो प्राइस है वो कम चल रही है। तो ये है वो प्रोडक्ट, ये है पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर। पहले मेरे पास एक था ब्यूटी ब्लेंडर पूना स्टोर का, काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। बट उसके बाद जो भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाए थे 2-3 ट्राई किए बट मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आए। तो मैं इसका पैक ऑफ 3 आपको मिलेंगे इसका वेट कर रही थी। इसकी जो प्राइस थी वो है यहाँ पर तो मेंशन 999, बट इसकी इतनी प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। 500 में आपको इसलिए मिल जाता है बट मुझे मिला है ओनली 400 में, बिकॉज अभी जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी कम चल रही है। अगर आपको परचेज करना तो आप ज़रूर से परचेज करें। एंड पूना स्टोर के जो ब्यूटी ब्लेंडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इन लोगों के ख़राब भी नहीं होते हैं, तो आप बेफिक्र होकर पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। सो अभी मैं आपको आपके सामने इसको ओपन करती हूँ। सो ये देखो आपको 3 मिलेंगे इसमें, इस टाइप की है एंड सेकंड ये इस टाइप का है एंड थर्ड है वो ओवल इस टाइप का। ये यहाँ से आपको इस तरह का जो साइज़ तो सेम है बट जो शेप है वो तीनों का अलग अलग मिलेगा। एंड जब भी आप इसको पानी में डिप करेंगे तो डबल हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो जाता है एंड यूज करने में बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल भी आपको मिल जाएगा, आप सिंगल भी ले सकते, बट मुझे पैक ऑफ 3 चाहिए थे तो मैंने परचेज किया है। सो ज़रूर से ट्राई करें, हाईली रिकमेंड करूँगी पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर को। सो नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है इनसाइट का मेकअप स्टिक, ड्यूओ 2-in-1 स्टिक। एंड इसे देखकर आपको कुछ याद आएगा, पिछले जो हॉल में मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना, उसमें मैंने आपको ये वाला आपके साथ शेयर किया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट वो अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, वैसे के वैसा है, थोड़ा सा ख़त्म हुआ है बिकॉज मुझे थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए था क्योंकि फेस स्किन वालों के लिए मेरा जो शेड नंबर था उसमें था वो 1, बट अभी जो मैंने शेड मंगवाया वो है 3।
शेड नंबर 3 जो कि फेयर स्किन पे अच्छे से दिखाई देता है, ब्राउन, ये जो जब आप कॉन्टोरिंग करते हैं, मैं आपको बताना भूल गई, ये एक कॉन्टोर एंड हाइलाइटर आपको इसमें मिलेंगे, स्टिक है, स्टिक के अंदर आपको एक तरफ मिलेगा ये कॉन्टोर शेड, ओके, एंड सेकेंड साइड मिलेगा आपको ये यहाँ पर ये हाइलाइटर शेड जो कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इसकी क्वान्टिटी भी आपको इतनी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास जो पहले था वो था नंबर 1 शेड, एंड उसका जो कॉन्टोर शेड था वो हल्का ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन दिखता था, तो फेस के ऊपर अच्छे से वो दिखता भी नहीं था। तो अगर आपका स्किन मेरी तरह है, मीडियम टू फेयर है, तो आप ये वाला शेड नंबर 3 जो है वो यूज कर सकते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा शेड है। मैं आपको थोड़ा सा इनका ये देखो, एंड ये जो स्टिक है, ये जो कॉन्टोर है, ये मेरा फेवरेट है गाइज। मतलब इतने इजीली जो आपके फेस के ऊपर एक ग्लाइड कर जाता है, एंड इतने अच्छे से जो वो फेस को कॉन्टोर कर देता है, एक क्रीम कॉन्टोर की फॉर्म में है, एंड वैसे ही हाइलाइटर है, ये भी इसी तरह का है, एंड हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है। ये देखो, वन स्वाइप में आपको अच्छा खासा जो पिगमेंटेशन दे देता है, एंड इसकी प्राइस भी गाइज ज़्यादा नहीं है, 200 में आपको ये मिल जाता है, 190 में मैंने इसको परचेज़ किया था, जो एंड इसमें जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है 8 ग्राम, तो काफ़ी दिनों तक ये आपका चल जाता है, ग्रेगा आपके फेस के ऊपर इजीली कंट्रोल करता है आपके फेस को। सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो है गाइज, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज बहुत गर्मी है यार, फ़ैन बंद किया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ आपके पास अच्छे से पहुँचे और फ़ैन का जो शोर शराबा वो आपको ना सुनाई दे इस वजह से, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना यार, अप्रिशिएट से मेरा मतलब है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको आज का ये होल वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप ऐसे ही होल वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट मेकअप लुक कौन सा करूँ, आईलेसेस यूज़ करती हूँ वो है यूरोप गर्ल आईलेसेस, एंड यूरोप गर्ल का ही ग्लू जो मैंने पिछले होल वीडियो में शेयर किया था, बट इस बार मैंने कुछ न्यू ट्राई करने का सोचा है। आजकल ये वाली लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ये है केला लीशी जो है वो भी मिल जाता है, ये ग्लू है। मैंने जो इसमें नंबर परचेज़ किया है वो है CS01, आपको इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं, अलग अलग ये जो इस टाइप की जो लेसेस हैं ये अलग अलग टाइप की आपको मिल जाएंगी, तो आप इसमें कोई भी जो है वो नंबर अपना चूज कर सकते हैं, आपको जैसी भी चाहिए, जैसे हैवी लेसेस हो गई या फिर नेचुरल लुक देने वाले लेसेस, आपको जो भी मतलब चाहिए वो आप नंबर अपना चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 01 चूज किया है, एंड इसकी जो प्राइस है वो इसकी जो MRP है वो 638 है, बट मुझे ये इस प्राइस में तो बिल्कुल नहीं मिला था, मुझे मिला था, मैं आपको बता दूँ इनकी जो प्राइस है गाइस वो ज़्यादातर होती है, वो होती है 350 में आपको इजीली मिल जाती है, बट मुझे मिली थी ये डिस्काउंट में 215, है ना, बहुत कमाल की डिस्काउंट चल रही थी, तो मैंने उस टाइम परचेज़ किया था, तो मैंने ओनली 215 में मेरे को ये मिल गई थी, तो अभी यूज करने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कैसी है, बट यूरोप गर्ल के आईलेसेस एंड ग्लू काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आई होप ये भी अच्छे ही होंगे, एंड ओके, तो इसका भी जो परचेज लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है, जल्दी बोल रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट प्रोडक्ट अच्छा जो शेयर करने वाली हूँ वाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा फेवरेट जो कि है यूरोप गर्ल की आईलेसेस, एंड इसमें ये जो पैकेट है ये मेरा आई थिंक 4th पैकेट है या 5th, बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है आईलेसेस इनको मैंने ट्राई किया है, एंड इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं, अगर आप इसे अच्छे से यूज करने के बाद अगर आप इसे अच्छे से क्लीन करके आप इसी पैकेट में इसी तरह से रख देते हैं तो आप इसे फिर से यूज कर सकते हैं गाइस। अगर आप इसको यूज करने के बाद इधर उधर फेंक देंगे तो फिर इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, तो मेक श्योर आप जब भी यूज करें तो आप इसी तरह से इसको डाल के रख दें ताकि जो इनकी जो शेप है वो मेंटेन रहे एंड आप इसको रीयूज कर सकते हैं, ओके। सो ये मैंने 01 परचेज किया है, एंड इसमें काफ़ी हैवी लेसेस हैं ये आप देख सकते हैं। इसका जो ग्लू है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट इसका भी जो इसमें जो छोटू सा ग्लू आता है ना ये भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, एंड मैं जो यूरोप गर्ल का ग्लू आता है जो इसके साथ नहीं मिलता, आपको अलग से परचेज करना होता है, वो आता है 300 का, एंड ये जो लेसेस आती हैं वो आती है 350, MRP इसमें लिखा 350, एंड 350 में आपको ईजिली मिल जाती हैं। सो इस बार ये वाली ट्राई करूँगी एंड आपके साथ जरूर शेयर करूँगी ये मुझे कैसी लगी। मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लिया वो है इनसाइड का लूज पाउडर, बनाना लूज पाउडर, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था, बट ये जो मैंने परचेज़ किया है तो गाइज यकीन करो मेरा मतलब अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है यार। ये येलो स्टोन में है जो कि इंडियन जो स्किन टाइप है स्किन टोन है उसके हिसाब से सॉरी जो इंडियन स्किन टोन है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है, तो आप ये वाला लूज पाउडर ले सकते हैं। इसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं, एंड फेस के ऊपर
एक येलोइश सा लुक आपको ये देता है, येलोइश फिनिश देता है, मैट फिनिश है इसकी। तो ये आँखों के नीचे जब आप कोई भी मेकअप करते हैं तो उसके नीचे आप लूज पाउडर का यूज करें, ताकि जो भी मेकअप आँखों का करते हैं, ग्लिटर वगैरह लगाते हैं, तो वो आँखों के अगर नीचे गिर भी जाता है तो जो लूज पाउडर है उसकी हेल्प से आपकी जो आईज़ हैं वो अंडर आई हैं वो बची रहती हैं, एंड काफ़ी अच्छा वो लुक भी आता है, मैट फिनिश देता है, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो आप ये ज़रूर से ट्राई करें। ओके, इसकी जो प्राइस है गाइज वो है, मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, आपको प्राइस बता देती हूँ जल्दी से। एक छोटी 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 सी बात बताती हूँ, मैं जाने वाली हूँ अभी उस एक दो दिन में कहीं घूमने के लिए, तो आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर से उसे देखना, मिस नहीं करना यार, ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह में शायद मैं जाने वाली हूँ, तो ज़रूर से उसे देखना। ओके, तो मैं आपको इसकी प्राइस बता रही थी। सो इसकी जो प्राइस है वो है 176, एंड इस पर इसकी प्राइस है वो 195 है, बट आपको ये 176 में इजीली मिल जाएगा, मुझे ये मिला था आई थिंक 150 में, जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम मुझे ये मिला था, एंड अमेजिंग वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आपको, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यार लाइक कर दो ना, सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्लू हेवन का प्राइमर, एंड ब्लू हेवन का प्राइमर के बारे में मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं गाइज, बिकॉज ये इतना ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, एंड सीरियसली बहुत अच्छा प्राइमर है, बिकॉज मैं आपको दिखाने से पहले इसको यूज कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जो जेल फोम नहीं होता उस टाइप की है, एंड ये जो प्राइमर है इस टाइप का आपको मिलेगा, इसकी जो प्राइस है वो 200 है, मतलब 200 में मुझे मिला था, वैसे इसकी प्राइस मेंशन है यहाँ पर 325, बट आपको इजीली डिस्काउंट में मिल ही जाता है, तो आप ये वाला जो प्राइमर है वो ज़रूर से ट्राई करना, एंड आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। सो ओके गाइस, यही था मेरा आज का हॉल, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया है ना, नहीं किया तो भी मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, वो है एक व्लॉग्स मैं शूट करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से देखना, मिस बिल्कुल मत करना यार, एंड कमेंट्स तो कर ही दिया करो। ओके, एक या दो कमेंट्स कर दिया करो ना, बनता है ना इतना प्यार तो। सो अब मैं आपके लिए गर्मी में शूट कर रही हूँ, तो मुझे भी तो वेट रहता है ना कि आप मुझे कमेंट करो, एंड मैं उनको रीड करके आपको रिप्लाई करूँ, बिकॉज आपके कमेंट्स जो है वो मुझे खुशी देते हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट करना, एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मेरे शॉर्ट्स जो आपने मिस कर दिए वो ज़रूर से देख लेना, ये वाला मेकअप लुक इसका शॉर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।